सो गाइज वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा आप प्लानिंग देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे कंप्लीट, कैसे आप डायमेंशन लगाते हैं, किस तरीके से आप टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट किस तरीके से प्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने लिविंग रूम बनाया प्रॉपर, टॉयलेट्स आप अलग अलग मैनेज करते हैं तो किस तरीके से आपको सोचना होता है। यहाँ पर हमने पाइप कनेक्शंस दिखाए हैं तो पाइप्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, SWP, WWP एंड RWP क्या होते हैं, स्टेयरकेस को कैसे डिटेल में कैलकुलेट करते हैं, देन हम अप स्टैंड किस तरीके से बनाते हैं और आपको लेवल किस तरीके से मेंशन करना होता है। आप रोड लेवल पे है तो आपका लेवल है 0-0, देन पार्किंग पे 1 फीट एंड फ्लोर फिनिश पे आपका 2 फीट। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेयरकेस के अंदर राइजर ट्रायड क्या होते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे, किचन का स्लैब का विड्थ क्या होना चाहिए, हर एक चीज को डिटेल में यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद आपकी ये प्लानिंग यहाँ पर रहेगी। अगर आप इन्हीं चीज़ों को बहुत डिटेल और बारीकी से सीखना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री लेवल का वर्क होता है वो चाहते हैं आप, कैसे कॉलम लेआउट लगता है, कैसे कॉलम्स बनाए जाते हैं, सो वो हम हमारी लाइव ट्रेनिंग में कवर करते हैं, जिसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट रहता है कमांड्स का, देन लाइव प्रोजेक्ट्स का होता है और जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है उन सब ड्राइंग्स पे काम किया जाता है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं PTS CAD एक्सपर्ट एंड चेक कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। सो देर ना करते हुए करते वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना बता रहा हूँ मैं, इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क होता है, कैसे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट, कैसे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, कोई भी आप फाइल लीजिए। यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं जो एक बार आपको बनानी है हमेशा। यहाँ मैंने लिया है कंट्रोल सी और आपके यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है, इसके अंदर हम पूरा स्टफ रखते हैं। आपके ही बैच में मैं रख देता हूँ ऑटोकैड, देन यहाँ से मैं इसमें डालता हूँ हमारा मार्च 2012 और यहां मैं कर देता हूं प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 मैंने किया और जो फाइल में लेकर आया उसे यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर जो भी नेम है उसे मैं चेंज करता हूं, यहां से मैंने किया मार्च 2024 प्रोजेक्ट 2। ठीक है, जो भी इसमें यूनिट है वो हम एक्टिवेट कर रहे हैं अभी और ये फाइल मैं करवा लेता हूं यहां से ओपन। इसके अंदर जितना भी स्टफ है उस सबको हम यूज करेंगे, फिर जब हमारा काम हो जाएगा तो हम उसे डिलीट कर देंगे, बाकी हमारा पोर्शन यहां रह जाएगा। तो ये यहाँ से हमने पोर्शन लिया, जितना भी आपको यूज करना है आप कीजिए, जो प्लानिंग के अंदर यूज करना है, जो लेयर आपको यूज करना है। अगर आप कोई फाइल भी कॉपी करके इसके अंदर ले आते हैं फिर उसकी भी लेयर आपको चाहिए, जैसे मैंने ये किया यहाँ से, अब ये फाइल है मेरे पास, इसको कीजिए कंट्रोल सी और आपने जो मार्च के नाम से फोल्डर बनाया इसको कर दीजिए यहाँ कंट्रोल वी, ये प्रोजेक्ट भी इसके अंदर आ गया। अगर आप इसे डिलीट भी कर देंगे ना, इसकी लेयर अभी भी यहाँ रहेगी, लेयर यहाँ पे अब ऑलवेज रहेगी। तो मैं इस प्रोजेक्ट को वापस से कंट्रोल सी करता हूं ताकि मुझे जरूरत पड़े तब मैं यूज कर पाऊं इसमें कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो भी यूनिट इसके सेट है वो यूनिट हमारी ऑलरेडी सेट है, डी एंटर कीजिए, हमारी डायमेंशन स्टाइल ऑलरेडी सेट है, यहां पर हमारी डायमेंशन स्टाइल आ रही है। मॉडिफाई पे जाइए, टेक्स्ट का हाइट चेक कर लीजिए, ये आ रहा है सिंबल 5-4 इंच कर देता हूं मैं, इसका लाइन का एक्सटेंशन 3 इंच कर देता हूं। तो ये आप बेसिक सा कुछ चेंज कर लीजिए, आपके पास लेयर है, डायमेंशन स्टाइल ऑटोमेटिकली पहले से बनी हुई है, टी एंटर कीजिए, टेक्स्ट स्टाइल भी आपके पास पहले से बना हुआ है, 6 इंच टेक्स्ट का साइज है। सो अब मैं करना स्टार्ट करता हूं यहां पर प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, कोई भी प्लान आप बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसा आप प्लान बना रहे हैं। सिंपल तरीका है, जो भी आप प्लानिंग करते हैं तो आपका एक तो साइज यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको टेंडेंसी के थ्रू आपको यूनिफॉर्म बनाना पड़ता है। अगर यूनिफॉर्म है तो आपको स्ट्रेट सिर्फ ऑब्जेक्ट लेने और आप बना सकते हैं इजीली। अब एक एक करके इस चीज को समझिए, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, बाद की बात हम बाद में करेंगे, अभी काम है प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। तो कैसे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से मैं एक प्रोजेक्ट लेता हूं, 60 फीट मुझे चाहिए मेरा डेप्थ प्लॉट का। रेफरेंस कोई भी रेफरेंस आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे या तो आपके पास प्लॉट का साइज होना चाहिए तभी तो रेफरेंस ले पाएंगे। और यहां से मैंने लिया 31 फिट, ठीक है, एंड देन फिर से 60 फिट, 31 फिट, ठीक है, ये मैंने किया। आउटर बाउंड्रीज, आउटर वॉल जो होती है वो ऑलवेज 9 इंच रहेगी, यानी कि 230 mm रहेगी। हुडाज में या रजिस्टर्ड सेक्टर्स में होता है कि आपका एक 4 इंच का वॉल आएगा, एक दूसरे की प्रॉपर्टी का 4 इंच का वॉल आता है एक साइड में, ऐसा भी होता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम आपका 9 इंच ही रखेंगे। और जब भी आप हाउस बनाते हैं, मान लीजिए इसका सिर्फ आपका ओपनिंग जो है इधर है, ओ एंटर,
और 20 फिट का रोड जा रहा है आपके घर के सामने से, ठीक है, इसको आप कम ज्यादा दिखा सकते हैं क्योंकि मुझे इसमें कुछ शो नहीं करना और बाद में इसमें हम चेक करेंगे। तो ओपनिंग सिर्फ एक तरफ है, हाउस का वेंटिलेशन पूरे हाउस में करना है तो बहुत समस्या का काम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी प्रॉपर्टी में स्पेस छोड़ना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आप 66% एरियाज पे ही हाउस बना सकते हैं एज पर हरियाणा नॉर्म्स, और दिल्ली में भी यही है। अगर आपके स्टेट में कुछ अलग है तो वो आप यूज कर सकते हैं, आपको फ्रंट और बैक रेयर में जगह छोड़नी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर पीछे की तरफ छोड़ता हूँ यहाँ पे शाफ्ट, ठीक है, ओ एंटर 5 फिट मैंने किया ऑफसेट और मैं चाहता हूँ पीछे की तरफ मेरे पास स्पेस रहे और यहां से मैं 4.5 का वॉल बना देता हूँ, ठीक है। अब इसे आप वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी सीखना चाहते हैं तो कोई भी आप टेक्स्ट ले लीजिए, जैसे ये है हमारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैं मान लेता हूँ मेरा नॉर्थ इधर है कंट्रोल सी, और ये मेरा हो गया यहां से नॉर्थ इधर है तो ये मेरा ईस्ट हो गया, यहां से मैं ले लेता हूं वेस्ट कंट्रोल सी, ये मेरा वेस्ट हो जाएगा एंड देन दिस वन इज साउथ। तो कोई भी रेफरेंस हमने लिया, मैं सेम नहीं ले रहा हूं, इसमें अलग प्लानिंग है इसमें अलग हम करेंगे, अगर मैं करता तो सेम भी ले सकता था बट बिल्कुल अलग आपको समझाना है चीजें। तो नॉर्थ ईस्ट जो होता है आप इसको अगर आप 16 भाग में बांटते हैं ईशान को, जिन्हें वास्तु का पता है अगर आप इसको 16 वास्तु चक्र के अकॉर्डिंग बांटते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आप हाउस नहीं बना सकते। बेसिकली इसको 4 भागों में बांटिए आप, नॉर्थ ईस्ट होता है ईशान कोण जिसके अंदर आपका बेस्ट रहता है पूजा रूम, आपका बाथरूम आ सकता है, टॉयलेट सेप्टिक टैंक नहीं आएंगे, बाथरूम आ सकता है कोई समस्या उसमें नहीं है, मास्टर बेडरूम आपके आ सकते हैं कोई समस्या नहीं है, आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ सकता है, सबसे बेस्ट होता है एंट्री के लिए। अगर एंट्री यहां नहीं आ रही तो फिर नॉर्थ में कीजिए, नॉर्थ में भी नहीं आ रही आपकी तो नॉर्थ वेस्ट में आप एंट्री कर सकते हो, साउथ में ज्यादा अच्छी नहीं होती एंट्री, बाकी सब आप कर सकते हैं। साउथ ईस्ट जो होता है वो होता है अग्निकोण जिसमें आप आपका किचन बर्नर ये सब आप रख सकते हैं, और अगर साउथ में नहीं भी आ पा रहे किसी वजह से तो एक वास्तु ऐसा होता है कि जब आपका आप फूड कुकिंग करते हैं आपका जो गैस स्टोव होता है वो ईस्ट के डायरेक्शन में ईस्ट की फेस करके आप कुकिंग करेंगे तो भी वास्तु आपका फिनिश हो जाता है। तो इन चीजों में ज्यादा अगर सोचते हैं तो ज्यादा इशू होते हैं, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। अगर आपका मेन रोड वेस्ट की तरफ है तो आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर एंट्री दीजिए आपका चलेगा, साउथ वेस्ट में भी आप प्रोवाइड करते हैं कोई समस्या नहीं है, आप उसका प्लांट व्लांट लगा के दोष खत्म कर सकते हैं अगर समस्या आती है उस कंडीशन में। साउथ जो कोन होता है ना वो हैवी होना चाहिए, इस नॉर्थ ईस्ट जो कोन होता है वो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जैसे आप इस साइड वाटर टैंक बना देते हैं अंडरग्राउंड, पर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखना होता नॉर्थ ईस्ट में, साउथ जितना हो सके ऊंचा रखते हैं हम, तो इस तरीके से आपका काम करता है। नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट में आप किधर भी टॉयलेट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आती है। तो ये सारी चीजें आप, मैं एक वास्तु चक्र भी भेज दूंगा आपके पास सिंपली, जिससे आप आराम से सीख सकते हैं और आपको सिंपल एक पार्ट मिल जाएगा जिससे क्लियर हो जाएगा कैसे क्या बनाना होता है। अब इसी पे प्रॉपर वर्क करते हैं हम, ये हमारा हो गया यहाँ पे, मुझे क्या करना है पार्टीशन करना है, इन सबको मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने कर दिया ओ एंटर 4 फिट, एक पूजा रूम के लिए स्पेस बना दिया, सिर्फ हम बाहर हम बैठ सकते हैं सिटिंग हमारी गैलरी में, और यहाँ पे आप 1 इंच बढ़ा 1 फिट बढ़ाना भी चाहे तो स्ट्रेच कीजिए, एस एंटर स्ट्रेच 1 फिट, तो 5 फिट का पूजा रूम इनफ है, 4.5 इंच ऑफसेट कीजिए। देन आपको क्या करना है, जो भी हाउस है आपका मिड से डिवाइड हो जाए और मेरे रूम आए, सो यहां से मैं कर देता हूं इसे 13 फिट का रूम बना देता हूं, ओ एंटर 9 इंच या 4.5 जितना रखना चाहे, अगर कॉलम हैवी दे रहे हैं तो आप 4.5 रखिए बाकी आपका वॉल लोड ले लेगा, और बीच में एक वॉल मैं दे देता हूं 9 इंच, सो 4.5 इस साइड 4.5 इस साइड, मिड वाली वॉल को कर दीजिए डिलीट, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब दोनों रूम का जो साइज आ गया वो आ गया हमारे पास 14 फीट 4.5 इंचेस 14 फीट 4.5 इंचेस, सो इक्वल रूम हो गए। और ये भी एक थोड़ा नॉर्म्स होता है कि अगर आपका रूम का विड्थ ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है, डेप्थ से सही होता है, विड्थ आपका ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, ये भी रूम है, इस साइड आपका क्या है अग्नि कोण है, तो इस कोण में आपका क्या आना चाहिए आपका, या तो आपका आ सकता है किचन, बट यहाँ मुझे रूम एडजस्ट करना है तो आप प्रॉपर साउथ, जैसे अगर मैं बीच से कट करूंगा तो ये भी अग्नि कोण आ रहा है, तो किचन हम बीच में भी ले सकते हैं, और हर चीज कभी मेंटेन नहीं हो सकती। तो पीछे मैं एक 6 फिट का स्टोर भी बना देता हूँ, ओ एंटर 4.5, ठीक है, सिंपली आप बना रहे हो तो कोई समस्या नहीं है किसी तरह की। उसके बाद मैंने 12 फिट ऑफसेट किया, ओके, देन 9 इंच का फिर से ऑफसेट किया, यहां पर मैं चाहता हूँ किचन अरेंज करना, ओ एंटर
9 फिट का मैं किचन कर देता हूं यहां से। एक्स्ट्रा लाइन जो आ रही है TR सिंगल एंटर, एक बार इधर कीजिए, एक बार इधर, फिर एंटर कीजिए एंड देन टारगेट के बीच का सेलेक्ट कर दीजिए। फिर से किचन जो आ रहा है 4.5 का मैं ऑफसेट करता हूं, 4 इंच का दीवार आ गया मेरा, ओ एंटर। मुझे किचन ओपन बनाना है तो 3 फिट का ऑफसेट मैंने इधर से किया, 3 फिट इधर, TR डबल एंटर अगेन, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ठीक है, ये जो लाइन आया उसे हटा दीजिए। अब स्लैब मुझे बनाना है किचन का, किचन का स्लैब जो एज पर स्टैंडर्ड विड्थ होता है वो होता है 600 mm यानी कि 2 फिट, और जो स्लैब का हाइट होता है वो होता है 800 mm, ठीक है, ये 850 तक भी जाता है जब आप फाइबर में लगाते हैं या ग्रेनाइट का आप हैवी रखना चाहते हैं। सो ओ एंटर 2 फिट, 1 2, किचन की स्लैब जो है वो तीनों तरफ आ रही है, तो एफ एंटर कीजिए, फिलेट 1 फिलेट 2, एक्स्ट्रा जो बच गया उसे कीजिए ट्रिम, यहां से कर दीजिए, सेम अगेन यहां से कर दीजिए, और दोनों लाइन को सिलेक्ट करके कर दीजिए ट्रिम। तो 2 फिट का आपका आ गया किचन का स्लैब इस तरीके से। उसके बाद मुझे यहां पर कम से कम आपका 4 फिट का स्पेस होना चाहिए या मिनिमम 3 फिट 6 इंचेस, तो ये 5 फिट आ रहा है क्योंकि मुझे इस साइड भी तो रूम अरेंज करना है ना। सो यहां से मैं इसे ही एक्सटेंड कर देता हूं इस लाइन को ताकि रेफरेंस रहे, और जो मेरा गेस्ट रूम आए वो आए 13 फिट, ठीक है, ये मैंने गेस्ट रूम लिया, ओ एंटर 9 इंच, आउटर वॉल है तो फिर से 9 इंच होना चाहिए, अगेन इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूं इस तरीके से। काफी बार ऐसा होता है ये अलाइनमेंट में सिमेट्री नहीं बनता तो इसे एडजस्ट भी करना पड़ता है, जैसे मैं सिमेट्री अनसिमेट्री बना रहा हूं, सिंपल तो आप बना ही देंगे। इसको मैं 2 फिट कम कर देता हूं स्ट्रेच, मैं चाहता हूं मेरा किचन जो है ना वो 2 फिट कम रहे, काफी बड़ा किचन हो गया ये, तो इसे मैं 2 फिट और कम कर देता हूं। तो जो वॉकिंग स्पेस है ना वो आपका अगर आपको 3.5 फिट मिल रहा है वर्स्ट कंडीशन में तो इनफ है, 4 फिट बहुत होता है, 5 फिट का आपको वॉकिंग स्पेस मिल रहा है और ये पूरा ओपन है फिर, और 2 फिट स्लैब के साथ, तो 7 फिट विड्थ हो गई इसकी। अब हमें क्या करना है, यहां पर हम आ गए नॉर्थ वेस्ट में, तो मुझे टॉयलेट्स वगैरह अरेंज करने, क्योंकि अभी तक कोई टॉयलेट नहीं आया हमारे हाउस में, तो टॉयलेट कैसे मैनेज करेंगे। टॉयलेट अरेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको अनसिमेट्री करता हूं और यहां से मैं कर देता हूं 2 फिट 6 इंचेस। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये प्लानिंग एक दिन में नहीं सोच के बना सकते आप, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। सो मैं इसको और 6 इंच कम कर देता हूं ताकि मेरा डोर का जो 4 फिट का स्पेस है वो भी रहे। यहां पर आ गया मेरा 4 फिट 4 फिट, ठीक है, ये 4 फिट 3 फिट 6 इंचेस भी है तो भी इनफ है। अब ये हमारे गेस्ट रूम के लिए स्पेस मिल गया हमें यहाँ पे 17 फिट, बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरे टॉयलेट्स भी अरेंज करना है। सो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ओ एंटर 5 फिट डन, ऑफसेट ओ एंटर 4.5, ओके, ठीक है, अगेन TR सिंगल एंटर, दोनों साइड टारगेट सेलेक्ट, फिर से एंटर ट्रिम ट्रिम। अब एक टॉयलेट का एक्सेस मैं अंदर से चाहता हूं, एक का बाहर से, और हमने ये स्पेस टोटल कितना लिया है यहां से क्लिक। सो जो टॉयलेट का एज पर स्टैंडर्ड होता है वो 1200 से कम का साइज नहीं होना चाहिए वॉशरूम के साथ, बाथरूम के साथ 1200 यानी कि 4 फिट से कम नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास 5 फिट आ रहा है बहुत है। और वर्स्ट कंडीशन में आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में छोटे छोटे टॉयलेट्स भी बना देते हैं, बट हमारे पास स्पेस है तो हम 1200 चार फिट से कम नहीं रखेंगे कभी भी। अब यहां से जो इंटरनल टॉयलेट है वो मुझे चाहिए यहाँ पे 6 फिट का 6 फिट, सो 6x4 का मोर देन इनफ है, कोई इश्यू नहीं आएगा बनाने को, आप 8 फिट भी बना सकते हैं 10 फिट भी बना सकते हैं एज पर स्पेस। ये हो गया एक टॉयलेट जो इनसाइड से एक्सेस रहेगा, आप गेस्ट रूम को अगर मास्टर बेडरूम की तरह भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट ये बाकी 2 रूम वाले यहाँ यूज करना चाहते हैं, अगर प्लानिंग ही हमें मास्टर बेडरूम के अकॉर्डिंग करनी पड़ती तो हम यहाँ बीच में भी अरेंज कर सकते थे स्पेस होता उस कंडीशन में, तो टाइम और स्पेस बताता है कि कैसा आपको चाहिए। और ये बच गया मेरा 6 फिट 7 इंचेस जिसमें वॉशिंग मशीन वगैरह भी आ सकती है, फिर भी इशू आ रहा है तो हम इसको 1 फिट और बढ़ा देते हैं 1 फिट, तो मेरा गेस्ट रूम भी काफी बड़े साइज का हो जाएगा इस तरीके से, और यहां से ये प्रॉपर स्पेस रहेगा तो 12 फिट। अब देखिए इसके अंदर सिमेट्री में विड्थ, ये जो हमारा है ना विड्थ कम है डेप्थ ज्यादा है तो ये सही नहीं होता बेसिकली, बट हम कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है इसमें। और ये वाले देखिए विड्थ ज्यादा है तो 2 हमने कर दिया इनफ है। अब ये वाला स्पेस हमारे पास, यहां मुझे करना है स्टेयर केस एडजस्ट, यहां मुझे करना है स्टेयर केस एडजस्ट TR। अभी मैंने सिर्फ ना तो डोर की कटिंग की है, सिर्फ और सिर्फ मैं प्लानिंग पे ध्यान दे रहा हूं। स्टेयर केस अरेंज करने से पहले मैं मेन गेट लगाता हूं,
मेन गेट जो होता है वो 9 इंच का आप कॉलम दे सकते हैं 9 इंचेस का, बट हम उसे थोड़ा हैवी करते हैं क्योंकि उस पर वाइब्रेट होता है, स्टील का डोर या एमएस का डोर आता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम इसको 1 फिट का कॉलम लगा देते हैं, ठीक है 3 इंच, तो यहाँ पर आपका कॉलम आ जाएगा 1 फिट का। उसके बाद मेरी डोर की ओपनिंग, अगर आप कार पार्किंग के लिए बनाना चाहते हैं तो 9 फिट मिनिमम आपका होना चाहिए, ताकि 6 फिट की कार की विड्थ होती है और 1-1 फिट दोनों तरफ कम से कम स्पेस रहे और साथ में कोई निकल सके अगर आपके गेट के साथ भी खड़ी है कार। तो 2 इंच का मैंने एक गेट बनाया, एंड गेट के जो डोर हैंडल होते हैं वो बना दीजिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कुछ माइंड में, आप 200-400 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, लेयर में अगर कहीं पे आ रहा है आपका, जैसे मैं मेन गेट का एक लेयर बना देता हूँ, लेयर पे जाइए, लेयर पे क्लिक किया, मेन गेट स्टील डोर, स्टील के लिए मैंने बना लिया बेसिकली, तो मैं रेलिंग में भी यही यूज कर सकता हूँ। और कैसा कलर रहे मेरा मेन गेट का, दिस वन, ओके ठीक है। आपको सिर्फ बना देना है, आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप वो सर्च कीजिए मेन गेट स्टील, हो गया लेयर, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। उसके बाद ओ एंटर, वही सेम 1 फिट का ऑफसेट कीजिए, तो ये डोर के लिए हो जाएगा, कॉलम यहाँ आएगा। यहाँ पर मेरा पूरा पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है, इस साइड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्क वार्क आप बना सकते हैं। अब स्टेयर केस एडजस्ट करनी है, सो स्टेयर केस कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, समझना है कॉन्सेप्ट को, स्टेयर केस कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर आप किसी हाइट पे जा रहे हैं तो कैलकुलेटर ओपन कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 लेवल लिए, ये लेवल है आपका 1 फिट, ठीक है ओ एंटर, फिर मैं 11 फिट की हाइट पे मेरा फ्लोर का हाइट रखना चाहता हूँ। सो आपको यहां से और यहां तक जाना है, ये आपका हाइट अचीव करना है, कितना हाइट है इसका 11 फिट, ये टॉप ऑफ FFL है, ये भी टॉप ऑफ FFL है, स्लैब इससे नीचे रह जाएगा। तो 11 फिट की हाइट अचीव करने के लिए आपको कितने स्टेप बनाने पड़ेंगे, एज पर स्टैंडर्ड स्टेप का जो राइजर का जो हाइट होता है वो होता है 6 इंचेस, यानी कि 150 mm। रेजिडेंशियल में आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो आप 8 इंच तक उसे ले जा सकते हैं 200 mm, बट अगर आपके पास स्पेस है तो कभी भी आप 7 इंच से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, और एज पर स्टैंडर्ड होता है 6 इंच यानी कि 150 mm, ठीक है 150 mm बहुत कम, नॉर्मल सा नॉमिनल सा रहता है, तो आप 7 इंच तक ले जा सकते हैं, 165-75 तक ले जा सकते हैं, बट 8 इंच से ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में भी नहीं करना, मजबूरी है तो बिल्कुल बात ही अलग है। अब यहाँ पे मुझे 11 फिट की हाइट अचीव करनी है, सो 11 फिट को मैं इंचेस में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि राइजर मेरा इंच में बनेगा, तो 11 × 12 132 इंचेस आ गया। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो आपको पता हो कि मुझे स्टेप कितने बनाने हैं, या आपको पता हो आपको राइजर फिक्स कितना रखना है, ठीक है। सो स्टेप कितने बनाने हैं मुझे यहाँ पे 21, 19 ओड नंबर होने चाहिए स्टेप्स के, और हमेशा आपका राइट की तरफ स्टेयर केस रोटेट करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेफ्ट की तरफ करते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, तो आपके ओड नंबर स्टेप होने चाहिए, राइट की तरफ रोटेट होना चाहिए। तो यहाँ पर 132 इंचेस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 7 इंच का राइजर बने, 7 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ रहा है 18.85। अब टोटल 18.85 तो राइजर कैसे बन सकता है, या तो आप 18 बनाइए, लास्ट का जो बचेगा वो 0.8 बन जाएगा, कोई समस्या नहीं, इतना गैप चलता है मार्जिन, तो 20-30 mm 40 mm तक का चलता है, आपके लास्ट स्टेप में आ सकता है या फर्स्ट में अरेंज कर सकते हो। आप चाहते हैं हर स्टेप में ही हो तो फिर आप यही लेकर चलेंगे, या फिर आप 18 आप लेके चलिए आप यहाँ पे राइजर 7-7 इंच का, तो ये परफेक्ट जाएगा। अगर आप चाहते हैं 19 स्टेप आए परफेक्ट, तो आप क्या करेंगे, 132 डिवाइडेड बाय 19 से कर दीजिए, जो भी पॉइंट आएगा 6.9 समथिंग का राइजर आएगा, तो वो 7 इंच से कम भी है और बेस्ट भी रहेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टेयर केस की। 19 स्टेप से पहले हम लेवल मैच करते हैं। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, टेक्स्ट आप ले लीजिए, नया ही टेक्स्ट बनाएंगे हम, टी एंटर, कल मैंने आपको सिखाया था टेक्स्ट कैसे बनता है, तो यहां से मैंने लिया और मैं लेवल के टेक्स्ट बना रहा हूं, यहां से मैंने किया %P और मैं कर देता हूं 0 फिट 0 इंच। ये लेवल कहाँ का है, मेरा रोड लेवल है, मैं नेचुरल ग्राउंड लेवल यही मानूंगा। उसके बाद मैं पार्किंग में आ गया, यहाँ पर 1 फिट मैं ऊपर आ गया मेरे रोड लेवल से, और ये मेरा रैंप है बेसिकली, हैच वगैरह हम लगा देंगे इसमें फिलेट। यहाँ पर जब मैं ऊपर आ गया तो मैं लेवल कितना मान रहा हूँ यहाँ पे 1 फिट, और इसे कर देता हूँ सिर्फ प्लस। तो जब भी आप 0 से ऊपर आते हैं, 0 पे रहते हैं तो प्लस माइनस रखते हैं क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, और जब आप ऊपर आ गए 0 से, इसको हमने रेफरेंस 0 माना यानी कि बेंचमार्क मान लिया। अब 1 फिट हम रैंप पे आ गए, ठीक है,
उसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरा हाउस बने ना वो 2 फिट ऊपर बने, तो यहां से भी मैं क्या करता हूँ इसका लेवल 2 फिट। सो यहां पर मैं 0 पे था, फिर मैं रैंप के थ्रू 1 फिट ऊपर आया, यहां पर मैं 1 फिट और ऊपर आ गया। अब 1 फिट अगर मैं ऊपर आया हूं तो मुझे स्टेप बनाने पड़ेंगे। सो स्टेप कैसे बनाएंगे देखिए, ओ एंटर 4 फिट का यहां मैं एक पोर्च दे देता हूँ, लैंडिंग दे देता हूँ बेसिकली, ये पार्ट है। उसके बाद मुझे एक और स्टेप बनाना है 10 इंच का ट्रेड, ओके, और जो इसका विड्थ रहे वो 6 फिट रहे, इनफ है, बाकी को कर दीजिए आप ट्रिम, यहां से भी ट्रिम कर दीजिए, यहां से भी। अभी जो स्टेप देखेंगे वो बाद में देखेंगे, अब कैसे बनाना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहां पर एक स्टेप और दो स्टेप मैं रेज किया और यहां पर मैं 1 फिट और ऊपर आ गया, 6-6 इंच के मेरे 2 स्टेप थे। सो इस तरीके से आपके स्टेप रेज हो गए। अब आपको बनाना है 3 फिट 6 इंच का स्टेप की विड्थ के साथ स्टेयर केस। सो ओ एंटर 3 फिट 6 इंचेस, स्पेस है तो हम 3 फिट 6 इंचेस का बनाते हैं, 4 फिट भी बनाते हैं, स्पेस नहीं है तो हम 3 फिट तक भी बनाते हैं। यहां मैंने किया, इसे कीजिए ट्रिम, ये मेरा सिर्फ विड्थ आया। अभी हमें चेक करना है कि कितना उठ रहा है। मुझे 10 इंच के 2 स्टेप इधर भी बनाने अभी, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं यहां तक दिखा देता हूं अभी के लिए, अभी फिनिशिंग करेंगे और ये जो स्टेप है ये यहां तक चला जाए। इसे कीजिए ट्रिम, बाहर वाले दोनों पार्ट को कर दीजिए ट्रिम। तो ये स्टेप इस तरीके से आ गया, 1, 2, 3। इसके बाद इस साइड हम आएंगे, एक्सटेंड कीजिए, ओ एंटर 10 इंचेस, आपको 10 इंच डालना है, ओके। एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद आता है मल्टीपल, कितने स्टेप बनाने आपको, क्लिक करते जाइए स्टेप बन जाएंगे। एक फ्लाइट के अंदर 12 स्टेप होने चाहिए, वर्स्ट कंडीशन में आप 13 कर सकते हैं, बट 13 से ज्यादा एक फ्लाइट में हम स्टेप नहीं रखते हैं, 13 के बाद दूसरा फ्लाइट होना चाहिए। सो यहाँ पे कितने स्टेप हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए यहाँ, 11 ही मैं रखता हूँ, हाइट तो मेरी अचीव हो ही जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी 3 स्टेप है, 1, 2, 3। इसके बाद यहाँ से मैं इस पार्ट को कर देता हूँ ट्रिम, और यही स्टेप कितने हो गए मेरे स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14 हो गए, 5 स्टेप मुझे इधर बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एम आई एंटर मिरर, और यहां से मैं कर देता हूं मिरर, अगर मैच भी नहीं हो रहा तो फिर आप इसे मूव करके कर दीजिए, ठीक है। इस पोर्शन को कर दीजिए यहां से पैक एंड देन कनेक्ट। अब आपकी बात आते हैं लैंडिंग आप कितना रखना चाहते हैं। मैं लैंडिंग रखना चाहता हूं क्योंकि मेरा जो कॉलम है यहां पर आएगा तो लगभग 2 फिट 2.5 फिट मेरा इस साइड हो गया, 1.5 फिट के आसपास आ रहा है, और 2-2.5 फिट में बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ प्रोजेक्शन। अगर आप रीबार ज्यादा दे रहे हैं, कॉलम हैवी दे रहे हैं, तो आप 6 फिट तक भी निकाल सकते हैं। ओ एंटर, यहां से मैं कर देता हूँ मेरा जो लैंडिंग है वो 5 फिट करे, एक्सटेंड। सो जहां पर आप टर्न करेंगे वो आपका 5 फिट का जाएगा, जिसके अंदर 4 इंच दीवार आएगी जिसपे हम ग्लास लगाते हैं। सो ये मेरा स्टेप बन गया। अब स्टेप की लेयर लीजिए, स्टेयरकेस की लेयर सेलेक्ट, और यहां से आप लेयर मैच करवा दीजिए स्टेयर। जहां पर आपकी मैन हाइट अचीव हो जाती है ना, वहां से ऊपर हम डॉटेड में शो करते हैं, प्रोजेक्शन को शो करते हैं एक तरह से। सो मैन हाइट कहां अचीव हो गई, 2 स्टेप तो मेरे ये है, ये लेवल भी आपका कौन सा, 1 फिट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट ये लेवल कौन सा आपका, 2 फिट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो यहां तक जाने में 1 फिट और लगा मुझे। सो अब इस लेवल से मुझे मैच करना है कि मैं लैंडिंग के नीचे से जब निकल के आऊंगा तो क्या हाइट मुझे चाहिए, तो मुझे 77 फिट चाहिए, ऑलमोस्ट 2100। सो कैलकुलेट कर लीजिए, 1, 2, पहले हम ये करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 स्टेप है मेरे, कैलकुलेट कीजिए, 14 × 7 इंच का मैंने रखा राइजर, 98 / 12, तो लगभग हमारे पास 8 फिट लैंडिंग का आपको हाइट मिल गया यहाँ पर, और उसके बाद 1 फिट ये भी है, 1 और 2, तो 9 फिट का हाइट मिल गया। 6 इंच का अगर मेरा स्ट्रक्चरल डेप्थ भी रहेगा इसका, तो भी मेरे पास 8 फिट 6 इंचेस स्टेयर केस के नीचे से निकल के जाने के लिए है। ये वर्स्ट कंडीशन में हम 1800 mm 6 फिट रखते हैं, अदरवाइज 2100 हमारा होना चाहिए क्लियर स्पेस, ठीक है। अब यहां से मैं एक एरो दिखा देता हूं जिसे स्टेयर पाथ बोलते हैं, इस तरीके से हमारा स्टेयर केस आ जाएगा। इसको आप मिड में रख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। स्ट्रेच लाइन F8,
एम आई एंटर, आपका सिंबल इस तरीके से बन जाएगा। अब आप स्टेयर केस को जहां पर आपका मैन हाइट अचीव हो गया उस हाइट को कर दीजिए डॉटेड। सेलेक्ट किया मैंने, इस स्टेप पे मेरा मैन हाइट अचीव हो गया था, इसके नीचे से जा सकते हो, इसे दिखा दीजिए आप डैश, ठीक है, और यहां से स्केल बढ़ा दीजिए 30। तो ये पार्ट है, इस स्टेप से नीचे आपका आ जाएगा, बट ये देखिए पूरा ये डॉटेड हो गया। तो आप यहां ब्रेक लाइन का यूज कर सकते हो, बी आर, ब्रेक लाइन किया, इसे कर दीजिए नीचे वाले पार्ट से फिलेट और इसे कर दीजिए मैच, क्योंकि इतना पार्ट तो मेरा सॉलिड में दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट है इसे कीजिए एक्सटेंड एंड देन ओके। तो ब्रेक में दो पार्टीशन हो गए उसके, और ये मेरा स्टेयर केस है। सेम ऐसे ये भी मेरे स्टेप्स हैं, तो इनको मैं अलग कलर में दिखा देता हूँ ताकि ये बॉटम वाले रहें, और यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अप का सिंबल आपको दिखाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यूपी आप कीजिए, आप दोनों तरफ आपको अप दिखाना है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, एक तो आपका अप यहां आ रहा है, एक आपका अप यहां आ रहा है, डन। ठीक है, ये हमारा पोर्शन हो गया स्टेयर केस का, और हम लैंडिंग पे भी आ गए। अब बिल्डिंग के अंदर मुझे प्रोजेक्शन दिखाना है कि जो मैं छज्जा निकालना चाहता हूँ, बालकनी निकालना चाहता हूँ, वो कितने फिट करे। सो यहां से ओ एंटर, 4 फिट का मेरा बालकनी रहे, ठीक है, यहां से मैंने 4 फिट किया। और प्रोजेक्शन में या तो आप लैंडिंग को आगे रखिए या फिर आपकी प्रोजेक्शन बालकनी को आगे रखिए, आप सेलेक्ट कीजिए, और यहां से आपका ब्लू शेड में मैंने कर दिया, या प्रोजेक्शन का आप लेयर ले सकते हो, और ये भी डॉटेड में दिखेगा क्योंकि ये मैन हाइट से अब आ रहा है। ठीक है, ये भी आपका डॉटेड है। अब इतना वर्क हमने कर दिया, अब मैं आपको डोर विंडोज की कटिंग बताता हूं कैसे होगा स्टेयर केस के कैलकुलेशन के बाद। अब जहां जहां डोर आ रहे हैं वहां पे हमें पता होना चाहिए साइज क्या है। अगर हमारे रूम के साइज प्रॉपर है और हमारे पास स्पेस प्रॉपर है तो हम 3 फीट 6 इंचेस का फ्रेम लगाते हैं रूम्स में। अगर रिक्वायर्ड है कि आप 1200 5 फीट का भी लगाते हैं, जैसे आप लैब्स देखते हैं स्कूल देखते हैं तो काफी बड़े डोर होते हैं, 6-6 फीट के डोर होते हैं, एक पैनल स्मॉल होता है, तो आप यूनिफॉर्म पैनल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं। सिंगल फ्लश आपका 1200 से ऊपर नहीं होता है कभी भी, एक जो पैनल आता है। अगर आपको डबल पैनल में रखना है तो आप 5 फिट का डोर लगाएंगे, 4 फिट में भी आप डबल पैनल कर सकते हैं, बट एज पर स्टैंडर्ड 1200 यानी कि 4 फिट से ऊपर अगर डोर आ रहा है तो सिंगल पैनल नहीं हो सकता, डबल पैनल में ही करना पड़ेगा। सो पहले सबसे पहले पूजा रूम को तो मैं मिड से ओपन रखता हूँ, सो इस पार्ट को फिनिशिंग कर दीजिए, यहाँ से भी फिनिशिंग कर दीजिए, और 5 फिट का मेरा गैलरी है, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और मुझे 3 फिट की ओपनिंग दिखानी है, ओ एंटर 1 फिट, ओ एंटर 1 फिट, बाकी को कर दिए यहाँ से ट्रिम ट्रिम, और ये पार्ट है यहाँ, इसे आप ट्रिम भी कर सकते हैं और इसे डॉटेड भी दिखा सकते हैं प्रोजेक्शन की तरह। ये ओपनिंग है मेरी, सेलेक्ट मैच करवा दीजिए आपकी जो प्रोजेक्शन ओपनिंग हमने लिया था उसी से, आप अलग लेयर भी ले सकते हैं डोर ओपनिंग की, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा प्रोजेक्शन है यहाँ पर। स्टोर का रूम मुझे पीछे से प्रोवाइड करना है, ओ एंटर 3 फिट का मैं स्टोर का रूम प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ट्रिम, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उनकी फिनिशिंग हम करेंगे। अब रूम्स जो है मुझे दोनों तरफ पीछे की तरफ भी गैलरी में भी रूम चाहिए, ओ एंटर, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 3 फिट 6 इंचेस का ऑफसेट करता हूँ, यहाँ पे ये रूम मुझे चाहिए 3 फिट 6 इंचेस। इससे वेट में भी फर्क पड़ता है, कॉस्ट में भी फर्क पड़ता है जब आप रूम का पैनल यूज करते हैं। तो इस साइड तो मैंने 3 फिट 6 इंचेस का पैनल दे दिया, डोर दे दिया, बट पीछे की तरफ मैं चाहता हूँ 3 फिट 6 इंचेस ना रहे, क्योंकि जो पीछे अगर मुझे कुछ सामान लेके जाना है तो वो 3 फिट का मैंने डोर दिया, तो यहाँ मैं मैक्सिमम दे देता हूँ 3 फिट 3 इंचेस का फ्रेम। ऐसा नहीं आप 3 फिट 3 6 इंचेस यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं बट मैं डिफरेंट चीजें समझा रहा हूँ सारी चीजें एक साथ, ये हो गया। उसके बाद यहाँ मेरा गेस्ट रूम है, काफी लोगों का ये भी रहता है कि एक दूसरे के सामने रूम नहीं आना चाहिए, तो ऐसी कोई वास्तु नहीं है, क्योंकि अगर आप हॉल के अंदर एंट्री चाहते हैं तो रूम तो कहीं ना कहीं फेस पे आएंगे ही आएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। टॉयलेट के जो डोर है वो आप 2.5 फिट से 3 फिट तक रखते हैं, 750 mm से 900 mm तक रखते हैं, तो ये मैं अभी 3 फिट ही रख रहा हूँ, और 3 फिट बेस्ट रहता है, ओ एंटर 3 फिट, ठीक है, ये आपकी डोर की सबकी ओपनिंग हो गई, साइज जो आ रहे हैं वो अभी देख लेंगे हम। देन यहाँ मुझे गेस्ट रूम की ओपनिंग दिखानी है, ओ एंटर 3 फिट 6 इंचेस, दोनों तरफ मैं सेम ही रख देता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके। अब ये मेरा गेस्ट रूम है, यहाँ मेरे मास्टर बेडरूम है, ये बेडरूम 1 बेडरूम 2 है,
किचन मेरा ओपन है, ये मेरा लिविंग रूम हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा लिविंग रूम हो जाएगा। अब यहां पर जो स्टेप आपने यहां बनाए ना, आप इस लेवल पे तो आगे 2 फिट, पर ये रूम भी तो 2 फिट पे है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यहां पे आपने स्टेप लगाया हुआ है, या तो आप इस पे स्टेप लगाइए, तो हमें बाहर से यहां भी स्टेप दिखाने पड़ेंगे। वो स्टेप हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, 10 इंच का मैंने एक ऑफसेट किया, और मैं चाहता हूं कि जो ओपनिंग है मेरा डोर का वो है 3 फिट 6 इंचेस, 3 फिट 6 इंचेस, तो मैं 4 फिट का ऑफसेट कर देता हूं, 1 फिट और 5 फिट का कर देता हूं, ताकि यहां तक मेरे स्टेप आ जाए, और ये पार्ट मेरा बंद रहेगा लाइन। देन एक और ऑफसेट कीजिए 10, 2 ही स्टेप बनाने पड़ेंगे तभी तो आप हाइट अचीव करेंगे, फील इट, ठीक है। अब आप इसको 3 मानना चाहें तो भी मान सकते हैं, क्योंकि मेरे को 1 ही स्टेप लगाना था, ये तो सेम सरफेस पे हम आ चुके, तो इसका 1 ही आएगा, क्योंकि एक तो हम लैंडिंग को ही मानेंगे, 1 और दूसरे स्टेप पे पहुंच गए, सेम ऐसे 1 और दूसरे स्टेप पे पहुंच गए, ये लेवल सेम है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बनाने होते हैं, स्टेप का वही सेम मैच कर दीजिए ताकि क्लियर रहे कि ये सेम चीज है, ठीक है। आपका एरो लगा दीजिए कि यहाँ भी हमारा अपसाइड कुछ जा रहा है, अगर कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया शिफ्ट कीजिए, अनसेलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट प्रेस करके, एंड देन प्लेस हियर। सो ये हो गया मेरा प्लानिंग डोर की कटिंग्स। अब डोर कैसे बनाते हैं, कोई भी डोर देखिए आप, जैसे भी बना रहे हैं, आपका आर्क यूज होता है, लाइन यूज होता है, सिंपल है बिल्कुल तरीका, सेम ऐसे ही विंडो बनता है। सो विंडो मैं पहले बना देता हूँ 9 इंच के लिए, मुझे क्या बनाना है, विंडो बनाना है 5 फिट की विड्थ का। सो मैं लेता हूँ लाइन, यहां से मैंने लिया 9 इंच, उसके बाद विंडो का मुझे चाहिए 5 फिट, एंड देन अगेन 9 इंचेस। कंपोनेंट देख लीजिए कैसे बनते हैं, ओके, ये मैंने सिर्फ एक पोर्शन बनाया, ये भी आपको जरूरत नहीं है, इसको हम लाइट शेड में दिखा सकते हैं। यहां से आपने एक और लाइन लिया जिसको हमने कर दिया यहां पे विंडो की शेड में, ग्लास का कलर दे दिया विंडो का, और इसका लाइन वेट भी मैं चाहता हूं बढ़ जाए, सो मैं इसकी लेयर पे जाता हूं विंडो वाले में, और लाइन वेट भी इंक्रीज कर देता हूं 30, ओके, देखना पड़ेगा हमने लेयर कौन सा लिया, 2 विंडो है वहां पे, ओके यही है। सो आप ऑन करेंगे लाइन वेट तो आपको हैवी दिखेगा। उसके बाद ये तो ग्लास है मेरा, फ्रेम कैसे आएगा, ओ एंटर, 2 इंच का मेरा फ्रेम रहे। विदाउट फ्रेम भी आप टेंटेटिव दिखा सकते हैं, अगर आपको पूरा टाइम देके बनाना है कुछ अच्छा तो वो भी आप बना सकते हो, जैसे हमने ये किया, इस पार्ट को कर दीजिए ट्रिम, इस पार्ट को भी कर दीजिए ट्रिम। अब फ्रेम अब मैंने 2 इंच का बनाया, 2 इंच का फ्रेम नीचे भी तो रहेगा ना ग्लास से, ओ एंटर 2 इंच, बट इस फ्रेम को ये बॉटम में आएगा, बॉटम में दिखेगा, तो इस फ्रेम को हम लाइट शेड में दिखा सकते हैं, और इसका लाइन वेट भी हम कर सकते हैं 0। इसको हम डायरेक्ट वुड में बनाते हैं डोर और विंडोज में, ठीक है। डोर की लेयर ले ली और कलर मुझे लाइट दिखाना था, मैंने लिखा दिया, ये आपका विंडो की तरह आप यूज कर सकते हो, और बाहर वाले पार्ट को भी विंडो की तरह दिखाना है, सेलेक्ट कीजिए, फर्नीचर जैसा दिखाना है, डोर वाला ही लेयर, एंड देन अगेन डोर। सो ये हो गया मेरा विंडो। अब एक कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी बेस पॉइंट जिसे बोलते हैं, या फिर आप ब्लॉक बना सकते हैं, सिंपली ब्लॉक बता रहा हूं मैं, बी एंटर आपको करना है, और यहां पर डालना है नेम W1, मैंने W1 के नाम से बना दिया, W1 ए पिक पॉइंट, शायद इसके अंदर W1 ब्लॉक हो सकता है, तो इसलिए मैंने पिक पॉइंट, ये होता है पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने किया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बी एंटर करना है, नाम डालना है ब्लॉक का, पिक पॉइंट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू ब्लॉक होना चाहिए, एंड देन ओके। डिटेल में ब्लॉक में बाद में कराऊंगा, अब कॉपी कीजिए, ये ग्रुप बन चुका है, ब्लॉक बन चुका है, इसे कॉपी कीजिए, और कहां प्लेस करना है आपको, यहां पर, तो परफेक्ट आपका ये आ जाएगा। अब काफी काफी 4 इंच की होती है वॉल्स आपकी, तो फिर भी समस्या आती है, और ये जो विंडो आप लगा रहे हैं ना, ऐसे ही कहीं नहीं लग सकता, आपका मार्जिन होना चाहिए कि वहां पर तक ब्रिक वॉल प्रॉपर बनेगी, तो यहां से मैं चाहता हूं कि ये मेरा 2 फिट के बाद लगे, 2 फिट, इसे बोलते हैं सेटिंग आउट, ओ एंटर 2 फिट, तो ये विंडो आपका यहां लगे, ताकि जब 2 फिट की आप दीवार बना दे उसके बाद आपका ये विंडो आए। उसके बाद ये जो मार्जिन बच गया बच जाने दीजिए, इस मार्जिन में मैं चाहता हूं मेरा प्रोजेक्शन के साथ एक पाइप निकल के आए, रेन वॉटर पाइप, RWP या रेन वॉटर पाइप आप बोल सकते हैं, या फिर SWP पाइप, अपर फ्लोर की जो टॉयलेट्स वगैरह है उसके पाइप भी इधर से ही आए, या फिर इसमें से आए, तो आप कैसे दिखाएंगे उन पाइप्स को। यहां पर आप ऑफसेट कीजिए, रैंडम आप ले लीजिए 4.4 इंच का, इस तरफ आइए, कितने आपका पाइप्स हैं, और इसके अंदर आप दिखा दीजिए पाइप सेंटर लेके, यहां पर मेरे कुछ पाइप्स आएंगे, और ये प्लास्टर से आपका कवर हो जाएगा,
चिकन मैश एक वो आता है आपका, जाली आती है, तो ये अलग अलग तरह के पाइप आपके यहाँ आ जाएंगे। रेन वाटर सिर्फ करना है तो अकेला रेन वाटर पाइप आप इस तरीके से दिखा सकते हैं 4.5, अगर हिडन पाइप्स की फिटिंग करनी है उस कंडीशन में। लाइन 4.5 एंटर और 5 इंचेस मैंने इस तरफ किया एंड देन ओके। तो इसके बीच में आपका पाइप आ जाएगा जब हिडन फिटिंग हो। अगर हिडन नहीं है तो आप बाहर सेम ऐसा ही सर्कल बाहर दिखा दीजिए जो क्लिप के साथ रहेगा, इस तरीके से आपकी क्लिप आएगी और इसको होल्ड कर देगी। तो जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये पाइप इस तरीके से आ जाता है, अपर फ्लोर से SWP आ गया, वेस्ट वाटर आ गया, नीचे वाले भी इसी में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ कहीं आपका GT और इंस्पेक्शन चैम्बर हो जाएगा जिसमें आपका पानी का फ्लो रहेगा। अब ये विंडो हमने बनाया, आप सेम विंडो मुझे स्मॉल 4 इंच दीवार के लिए बनाना है। सो कैसे बनाऊंगा मैं, एक्सप्लोर कर दीजिए, एक्स एंटर टूट जाएगा ये, और यहाँ से आप कीजिए ओ एंटर 4.5। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी इजी लगे बना सकते हो। इस पार्ट को मैंने इसके अंदर सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी पार्ट एक्स्ट्रा उसे स्ट्रेच कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, तो फ्रेम वगैरह आपकी एडजस्ट हो जाएगी। स्ट्रेच कनेक्ट, स्ट्रेच कनेक्ट, और बाहर वाली लाइन को हटा दीजिए। फिर बनाइए सिलेक्ट बी एंटर ब्लॉक, यहां मैंने किया W2 पिक पॉइंट एंड देन कन्वर्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओके। कॉपी कर सकते हो आप इसको इजीली। कहां प्लेस करवाना है आपको, ये जहां भी प्लेस करवाना है, पीछे मुझे प्लेस करवाना है यहां पर। अब 5 फिट का देखिए यहां नहीं आ सकता 5 फिट का विंडो, सो कोई इशू नहीं है, हम इसे फिर से एक्सप्लोर करेंगे और हम इसे 4 फिट या 3 फिट का बना देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे एक्स एंटर साइड में रख लीजिए क्योंकि इस एरिया में नहीं आ सकता, तो हम एक्स एंटर करते हैं और इसे कर दीजिए 1 फिट या 3 फिट 6 इंच का बना देते हैं, 1 फिट 6 इंचेस, जिसके अंदर आपके AC कूलर इजिली लग सकते हैं और इसे आप बिना ब्लॉक बनाए भी प्लेस करवा सकते हैं। सेलेक्ट डोर विंडो असेंबली के साथ आप चाहते हो तो डोर की फ्रेम के साथ ही डायरेक्ट ये लग जाएगा। MI एंटर मिड पॉइंट से कर दीजिए, डन। तो दोनों का ये भी हो गया। किचन में भी मुझे ये विंडो चाहिए, सेलेक्ट कॉपी, किचन में आप यहाँ पे लगा सकते हैं अलग हाइट पे, तो किचन का वेंटिलेशन हो गया। यहाँ पे हॉल में भी इसी से रोशनी आएगी, ऊपर वेंटिलेटर से आएगी और पीछे का आपका ओपन टू स्काई रहेगा पूरा। सो ये होने के बाद हम टॉयलेट के अंदर क्या करना है मुझे, वो वेंटिलेटर लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे पाइप्स आ गए, अगर पाइप हमें देखना पड़ेगा, वेंटिलेटर की स्पेस नहीं है, तो हम डोर ही ऐसा लेंगे जिसमें वेंटिलेटर लग के आए, तो उसी में एग्जॉस्ट हम लगवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए पाइप हमारे इस वॉल पर ना आकर ऊपर वाली वॉल पे आ रहे, ताकि दोनों पाइपों के पास रहे, तो रोटेट कीजिए आप इसे, सेलेक्ट मूव, और यहाँ हम इन पाइप्स को लगा सकते हैं। प्लम्बिंग शाफ्ट अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पाइप आपको वॉल में प्रोवाइड करने पड़ते हैं या फिर ओपन फिटिंग। सो इसमें कनेक्शन हो जाएगा और यहां आपका आ जाएगा एक ऐसा ही वेंटिलेटर। कॉपी, स्ट्रेच या एक्स एंटर टूट जाएगा, स्ट्रेच करना है आपको 3 फिट से, तो 2 फिट का मेरा वेंटिलेटर हो गया। वेंटिलेटर जो भी होता है वो मैन हाइट से या 6 फिट पे ऑलमोस्ट लगता है, उसके बाद 2-2.5 फिट का होता है, तो लिंटर लेवल सेम आ जाता है, तो हमें डॉटेड में शो करना पड़ता है वेंटिलेटर्स को। सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और लगा दीजिए आप वेंटिलेटर, परफेक्ट आपका आ गया। सो इस तरीके से आप विंडोज लगा सकते हैं। अब एक डोर और बना के आपको मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। सो डोर हमें 3 फिट का बना रहे हैं, फिर उसी को स्केल करते रहेंगे। आपको क्या करना है, ऑफ ये लाइन हमने लिया, ओ एंटर 3 फिट, ये मेरा फ्रेम है एक तरह से। सो यहाँ पर मैं डोर का लेयर एक्टिवेट कर लेता हूँ डोर बनाने के लिए। 2 इंच का मेरा फ्रेम हो गया, फ्रेम के साथ ही दिखा रहा हूँ मैं, 2 इंच में ऊपर दिखाता हूँ, इस तरीके से मेरा वुडन का या जैसा भी फ्रेम आपको चाहिए हो जाएगा। सेलेक्ट, सेलेक्ट MI एंटर, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे कर सकते हैं M2P मिड बिटवीन 2 पॉइंट, सेलेक्ट 1 लाइन, सेलेक्ट 2 लाइन, सेकेंड लाइन, ठीक है, और आप यहाँ पे मिड बिटवीन 2 पॉइंट कर सकते हैं एंटर। तो दोनों तरफ ये आ गया M2P, कोई भी कमांड एक्टिवेट करके M2P करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेलेक्ट MI, मिरर करना है मुझे बट इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट नहीं है, तो आप मिरर कमांड के अंदर ही डाल दीजिए M2P, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट सेकंड पॉइंट, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा जहां भी रहेगा।
अब मुझे क्या करना है, पैनल बनाना है। तो 2 इंच तो मेरा फ्रेम हो गया, 2 इंच इधर हो गया, 4 इंच, तो पैनल कितना बचा? 2 फिट, 8 इंचेस का पैनल बच गया, 2 फिट 8 इंचेस। उसके बाद पैनल किस साइज का है, आपको मोर्टेस लॉक लगाना है या कैसा लॉक लगाना है डिपेंड करता है। तो पैनल का विड्थ मैंने लिया 1 इंच, 1 इंच का पैनल, हाफ इंच में भी आता है ये, 45 mm में भी आता है, 50 mm में भी मिल जाता है। हो गया इतना पार्ट। उसके बाद लीजिए आप यहाँ से आप सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट आर्क लगा सकते हैं। आप सर्कल बनाया तो इसके आपको ट्रिम करना पड़ेगा, ये आपका डोर का एंगल इस तरीके से दिखा देगा। आप आर्क लगाना चाहते हैं तो आप आर्क पे जाइए, आर्क हमारा हुआ नहीं है कोई बात नहीं, स्टार्ट एंड डायरेक्शन मैंने लिया, स्टार्ट पॉइंट ये मेरा एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन अपसाइड। सेलेक्ट कीजिए इस डोर को, बी एंटर, डी वन डोर वन, पिक ए पॉइंट, ये मैंने पिक कर लिया पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर एंड देन ओके। सो ये आपका डोर भी बनके रेडी है, इस तरीके से आप डोर बना सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, सी ओ एंटर, कनेक्ट। हमेशा वॉल से फ्लश डोर आना चाहिए, अब उस तरह भी मुझे लगाना है तो इसको पहले डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट एम आई एंटर, एक रेफरेंस से कर दीजिए एंड देन इधर भी मुझे ये लगाना है, डन। तो जो हमारे हो गए, अब यहां पर मुझे जो डोर चाहिए ना, 3 इंच के, 3 फिट के जो डोर आ रहे वहां वहां लगा देते हैं। पहले कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक मेरे स्टोर में आ रहा है, सेलेक्ट आर ओ एंटर, रोटेट, सेलेक्ट, वॉल से फ्लश आपका डोर होना चाहिए। या तो आपका डोर जब आप लगाते हो ना, ये जो पार्ट बचता है इसे लेज बोलते हैं, या तो आपका लेज 115 mm होना चाहिए या 230 mm होना चाहिए। कभी भी हम कम लेज या ज्यादा लेज नहीं रखते हैं, आप 300 भी रख सकते हैं क्योंकि वहां तक वॉल बन सकता है, तो पॉसिबिलिटी जितना हो उतना हम रखेंगे। अब मुझे इसी डोर को स्केल करना है, सेलेक्ट अभी कितने फिट का है, DLI कीजिए, 3 फिट का मेरा डोर है, मुझे 3.5 फिट का करना है, SC ओके, 3 फिट 6 इंचेस, बेस पॉइंट, दोबारा R एंटर कीजिए, रेफरेंस, कितने फिट का बनाना है, 3 फिट 6 इंचेस डायरेक्ट पुट कर दीजिए, सेलेक्ट SC ओके, बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, R एंटर, रेफरेंस, फिर आपको दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 1.2, अब 3 फिट 6 इंचेस पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डोर आपका 3.5 फिट, 3 फिट 6 इंचेस, 1050 mm का बन जाएगा। जहां जहां लगाना है लगा दीजिए, सेलेक्ट कॉपी, F8, 1, और इस तरफ मुझे मिरर करना है, सेलेक्ट MI एंटर, F8, ठीक है। अब ये डोर 3 फिट 6 इंच का है, 3 फिट 3 इंच का है, SC ओके, जिस साइड फिक्स रखना उसे सेलेक्ट कीजिए, R एंटर कीजिए, फिर से पॉइंटों को सेलेक्ट कीजिए, देन इसे बना दीजिए 3 फिट 3 इंचेस, डन। ये डोर आपका आ गया, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, MI एंटर, मिड पॉइंट ओके, ये डोर आपके लग गए। अब जो 3 फिट का डोर आ रहा है कॉपी किया हमने, यहां से आप जाइए फिक्स, MI एंटर, यहां भी मुझे यही डोर लगाना है ओके, यहां भी लग गया। अब डोर बच गया यहां 4 फिट का, तो यहां मुझे डबल डोर बनाना है। सो हाउ टू क्रिएट डबल डोर, यहां पे मैंने लिया डोर, कितने फिट का है डोर, सेलेक्ट, एक्सप्लोड मैं कर देता हूं इसे क्योंकि बीच में कोई फ्रेम नहीं आएगा जब डबल डोर है, और यहां पर मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया, ओ एंटर 4 फिट, ओ एंटर 2 फिट, ठीक है। इस डोर को कीजिए सेलेक्ट, SC ओके, बेस पॉइंट, R एंटर, फिर से बेस पॉइंट एंड देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कनेक्ट, सेलेक्ट कीजिए, MI एंटर, दूसरी तरफ भी कर दीजिए मिरर, ये आपका डबल डोर रेडी। B एंटर, ब्लॉक, MD मेन डोर, पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट कीजिए, आपका डबल डोर भी रेडी है मेन डोर के नाम से। कहां लगाना है आपको प्लेस कर दीजिए, ठीक है, बाहर की तरफ करना है, डबल पैनल, डबल पैताम में डोर रखना है, सिंगल पैताम में रखना, वो चीजें हम रख सकते हैं। अब जितना भी हमने वर्क किया इसके अंदर मुझे कंपोनेंट्स प्लेसमेंट करनी है और टेक्स्ट प्लेसमेंट करनी है। सो टेक्स्ट आप कैसे लगाएंगे उस चीज को मैं पहले समझा रहा हूं।
टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, टी एंटर। ओके, टी एंटर मैंने किया, यहां मुझे चाहिए बेडरूम। टेक्स्ट कैसा चाहिए, बेडरूम वन मैंने किया, और टेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे अलग कलर में। लेयर हमारा जो है वो ना चाहकर मुझे कोई और चाहिए, तो पहले मैं लेयर चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट वाला ही लेयर ले लेते हैं। टेक्स्ट का व्हाइट लेयर है, कोई बात नहीं, व्हाइट यूज करेंगे। टी एंटर और रूम के अंदर ही आ जाइए, साइज हमने लिख रखे हैं। सो पहला मैंने बनाया बेडरूम वन, एंटर किया। अगर दोनों का कलर अलग अलग करना है, यहाँ आप चाहते हैं कलर चेंज करना टेक्स्ट में ही, तो आप कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। ये मैंने किया, देन नीचे वाला टेक्स्ट जो मेरा रहे वो व्हाइट रहे या सेमी कलर में रहे तो वो भी पॉसिबल है, सेमी आएगा भी। टेक्स्ट की विड्थ मुझे लिखनी है 14 फीट 4.5 इंच, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहते हैं आपका 1/2 में ही दिखे, 1/2 आपको करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, और ये पॉसिबल किस में, मल्टी लाइन टेक्स्ट में, और यहां से कर देना स्टैक, देन लगा देना इंच। ठीक है, इंच का सिंबल लगाया, क्रॉस 13 feet 0 inch। ठीक है, अगर इसका अलाइनमेंट मिड में करना है, यहां से मिड कर दीजिए, सो मिड में आ जाएगा। अगेन सेकंड रूम कॉपी, बेडरूम टू विड्थ सेम है, सब सेम है। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां मैंने किया, ये लाइन आप रिमूव कर दीजिए। ये है मेरा पूजा स्पेस। साइज क्या है इसका, डायमेंशन लगा के चेक करना पड़ेगा, विड्थों में विड्थ हमारा है 5 feet 5 ही डेप्थ है, सो इसे आप ऑफ कीजिए, इसे कर दीजिए 0 और इसे कर दीजिए 5 एंड देन अगेन 5। अगेन स्टोर रूम पे जाइए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्टोर रूम पे आप आ गए, जितना हो सके अलाइनमेंट पे रखेंगे टेक्स्ट, तो यहाँ पे हो गया मेरा स्टोर रूम। ये हमारा विड्थ इसका 6 feet है, चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने किया था। क्लाइंट को जब आप फर्स्ट प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें डायमेंशन लगा के पूरा होच पोच नहीं करना है, कंजेस्टेड नहीं करना, एक बार आप डायमेंशन ये सब लिख के दीजिए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ हम लिखेंगे ओपन टू स्काई 5 feet वाइड ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई का मतलब ऊपर जाके आपकी ट्रांसपेरेंट शीट लग जाएगी, जो आपकी सनलाइट भी आएगी प्रॉपर, रेन वगैरह नहीं आ पाएगी। अगर आप यहाँ पे जाल छोड़ना चाहते हैं, जो एमएस में हम जाल बनाते हैं, वो भी आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पूरा इस पोर्शन में स्लैब नहीं डलेगा, बाकी स्लैब डल जाएगा, पूरा जाल से भी पैक करवा सकते हो आप। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने, एंड देन किचन, किचन का साइज हम देख लेते हैं कितना है, यहाँ से यहाँ तक 12 feet, यहाँ से यहाँ तक 7 feet। ठीक है, जाइए किचन, किचन का जो डेप्थ विड्थ है 7 feet है, 0 inch है, एंड देन दिस इज 12 feet। किचन में हमने यहां पर ओपनिंग नहीं दिखाया, मैच कर दीजिए आपके अनदर ओपनिंग से मैच। ठीक है, उसके बाद मेरा हॉल डाइनिंग आ रहा है। अब जो भी स्पेस है वो सारा लिखते जाएंगे। यहां पर हमारा आ रहा है टॉयलेट वन टॉयलेट टू कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहां पर टॉयलेट का साइज है हमारा, टॉयलेट वन में कर देता हूं, यहां पे टॉयलेट वन 5 feet by 6 feet, टॉयलेट टू, ठीक है, जो भी साइज आ रहा है वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें कॉलम प्लेसमेंट में भी करनी है। सो यहां पे हम करेंगे कॉलम प्लेसमेंट को प्रॉपर। इतना होने के बाद गेस्ट रूम और स्टेयर केस, जो साइज आ रहा है गेस्ट रूम का लिखेंगे, एक यहां पर हमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां हम डालेंगे 4 feet वाइड प्रोजेक्शन या बालकनी अबव। ये ऊपर का लाइन दिख रहा है आपको, नीचे आपको कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, ये ऊपर का है सब। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पुट कर देनी है यहाँ पर, पूरा डिटेल आपका हो जाएगा। अब कंपोनेंट प्लेस कैसे करते हैं, जो भी कंपोनेंट आपके पास है, जैसे डाइनिंग टेबल है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर मेरा डाइनिंग टेबल होना चाहिए इस एरिया में। यहाँ पर आपको सोफा या डाइनिंग आपको बड़ा चाहिए आप ले सकते हैं, आपको सोफा वगैरह चाहिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपको करना है, आपके सोफा वगैरह भी आ जाएंगे इजिली। इस तरीके से हमने प्लेस करवा दिए। डाइनिंग आपको थोड़ा और क्लोज करना है, कोई समस्या नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं।
अगेन बेडरूम्स में बेड आपको प्लेस करवाने हैं, यहां से आप लीजिए कॉपी। ओके आपको एलईडी पैनल लगाना है सामने, वो भी आप कर सकते हैं, सेलेक्ट एम आई एंटर। दूसरी तरफ भी मुझे चाहिए वाई। अब देखिए यहां पर जो आपका बेड है ना वो वॉल से ऊपर दिख रहा है, तो आप दोनों चीजों को सिलेक्ट कीजिए, डी आर एंटर, ड्रॉ ऑर्डर बैक कर दीजिए, तो आपकी वॉल पहले दिखेगी। अब जहां जहां आपने डायमेंशन लगा दी उस प्लान को पूरा रखिए, और एक प्लान हम हटा लेते हैं जिसे हम बोलेंगे वर्किंग प्लान। सो वर्किंग प्लान के अंदर आपको कंपोनेंट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसे रखेंगे जितना हो सके, बस उसके अंदर हम सेटिंग आउट दिखाते हैं आपको, हॉल वगैरह डायमेंशन ये सब भी देने की जरूरत नहीं होती उसमें। हम उस वर्किंग प्लान में क्या करते हैं कि आपका जो मिड पॉइंट आ रहा है या कॉलम आ रहा है उससे कितनी दूर पे आपका विंडो लगा है। सो पहले मैं कॉलम्स प्लेसमेंट आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सो कॉलम का कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, सो अब आपको क्या करना है, आपको साइज के अकॉर्डिंग, देखिए कभी भी आप टेंटेटिव आइडिया से कॉलम नहीं लगाते हैं, अगर आपको आइडिया हो गया 10-20 बिल्डिंग आपने बनाई है तब आप लगा सकते हो। सबसे कॉमन जब आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, वो कहेंगे 9 इंच के कॉलम लगा दीजिए, और 9 इंच का कॉलम इनफ भी है एक दो फ्लोर के लिए, कोई समस्या नहीं आती अगर रिंग आपने पास पास किया। बट जब स्पैन आपका बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जैसे ये दूरी ज्यादा हो जाती है, तब आपका 9 इंच का कॉलम काम नहीं करता, तो आप 12 या 13 फीट से ज्यादा 9 इंच का कॉलम ना बनाएं। अगर दो फ्लोर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 1.25 फीट का कॉलम बनाएंगे, 1 फीट का कॉलम बनाएंगे। किसी के पास फर्मे होते हैं या नहीं होते तो वो कहते हैं 1 फीट का मत बनाइए, 1.25 का कर दीजिए, 1 फीट 3 इंचेस का कर दीजिए। तो इस तरीके से काम चलता है। तो कॉलम कैसे बनाएंगे, लेयर लीजिए, कॉलम का लेयर यहाँ नहीं है, लेयर प्रॉपर्टी पे जाइए, कॉलम पे जाइए, कॉलम, मुझे कॉलम जो है वो ब्लू कलर में चाहिए। ओके लेयर में लिया मैंने, कॉलम को एक्टिवेट कर दीजिए, टर्न लाइन लिया मैंने, कॉलम की जो विड्थ है ना वो 9 इंच रखिए आप, बस डेप्थ बढ़ा दीजिए 1 फीट 3 इंचेस, एंड देन 9 इंचेस, एंड देन ओके। एक कॉलम मेरा ये है, कॉपी किया मैंने, नीचे में ले आया एक और, सो ये जो कॉलम है इसको मैं 9 इंच ही रखूंगा, सो इसे आप कर दीजिए 6 इंचेस से डाउन, 9 इंच रहेगा। और आपको कहीं 1 फीट का कॉलम लगाना पड़े तो यहाँ आप 3 इंच से डाउन कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 1 फीट 3 इंचेस, 1 फीट 9 इंचेस। अब कीजिए इसमें हैच, आप इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं, जे एंटर ज्वाइन ज्योमेट्री हो जाएगा, हैच कीजिए इसके अंदर 1, अलग अलग कीजिए सभी में, अदरवाइज एसोसिएट के थ्रू आएगा, ठीक है। सॉलिड करना है सॉलिड कर सकते हो, सभी को सॉलिड कर दीजिए क्लिक। अब ये आपका कॉलम बन गया, इसे बनाइए, बी एंटर, सी 1, कॉलम 1, साइज भी मेंशन करना चाहते हो आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में साइज भी डाल सकते हो, नीचे भी डिस्क्रिप्शन आपका आता है ब्लॉक में। सो मैंने किया 9 इंचेस बाय, यानी कि 230 बाय, यहां से मैं कर देता हूं 1 फिट 3 इंचेस, सो इसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं इजीली। पिक पॉइंट क्या रहे मेरा, ये पिक पॉइंट रहे, एंड देन ओके 9 बाय 15 हम कर देते हैं, 9 बाय 15, सिंबल नहीं लेता कोई इशू नहीं है। ये मैंने कॉलम बना दिया, प्लेस कीजिए कहाँ कहाँ आप कर सकते हो, यहाँ मैं कर सकता हूँ इसे कॉपी, अगेन यहाँ पे हम मैं कर सकता हूँ इसे, वॉल के अंदर ही रहेगा आपको बाहर नहीं दिखेगा, पर साइज बड़ा है। सेम ऐसे मैंने किया इसे दूसरी तरफ। अब यहाँ पर हम इस विड्थ का कॉलम नहीं लगा सकते, समझना इस चीज को, यहाँ पर अगर मैं कॉलम लगाऊंगा तो मेरे डोर की प्लेसमेंट पूरी चेंज हो जाएगी, तो कॉलम का ओरिएंटेशन भी तो हम चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट मूव डन, सेम ऐसे ही सेलेक्ट एम आई एंटर, मिड पॉइंट से कर दीजिए, ये आपके कॉलम्स लग गए। अगर आपका स्पैन यहां पर हमने बहुत हैवी कॉलम दिया है, इस कॉलम के अंदर आपके 16 के 2-4 रीबार आ जाएंगे, 16 mm रीबार और 2 बार आके आ जाएंगे, तो वो लोड ले लेंगे। रिंग जो है आपका 6 से 7 इंच में रखिए, अगर आप 9 इंच भी लेते तो भी चल जाता, बट रिंग क्लोज करना पड़ता, फिर 2 फ्लोर से ज्यादा कभी सोच भी नहीं सकते थे आप इस पे। बनाने को आप बना सकते हैं, बट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लोड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब आइडिया हो जाएगा तो आप खुद से समझ जाएंगे इस चीज को। अब इसके ऊपर जब आप बनाएंगे, यहां तक मेरा बोल आएगा और पीछे भी बोल रहेगा, तो यहां आपको सिर्फ एक हिडन बीम देना है, एक हिडन बीम यहां देना है, एक हिडन बीम यहां देना है, तो जो स्लैब इस पे आएगा ना उसका लोड ले लेगा, और यहां पर एक आपका लटक बीम जो आपका 1.25 फीट का करना है या आपको हिडन बीम भी डालना है तो वो भी यहाँ पर लोड ले लेगा आपका, कोई इश्यू उसमें नहीं आएगा।
अब इसके बाद यहां पर देखिए ओरिएंटेशन चेंज है, सो कॉपी मैंने किया यहां पे सेलेक्ट, 12 फीट का ही स्पैन है तो यहां पे मैं मेंटेन कर सकता हूं, सेलेक्ट रोटेट, ये कॉलम मैं चाहता हूं मेरा इस तरफ लगे, ठीक है, सेम कॉपी अगेन, ये कॉलम मेरा यहां लगे, सेलेक्ट कॉपी, ये कॉलम मेरा यहां लगे, एंड देन सेम ऐसे ही यहां पर, ठीक है। तो स्टेयर केस में भी आ गया, कोई कॉलम आपका वॉल से बाहर नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ पे वॉल 4.5 लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 4.5 है, तो ये टक हमेशा दिखेगा आपको, इसका आप कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपका हैवी कॉलम ना हो, स्मॉल कॉलम हो, तो आप 9 इंच कॉलम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतना लोड नहीं है बिल्डिंग पे, और जितना हैवी लगाएंगे उसके प्रोजेक्शन के भी ज्यादा चांस है कि प्रोजेक्शन थोड़ा अच्छा निकल सकता है। सो इस तरीके से आप कॉलम्स प्लेस कर सकते हैं। देन कॉलम के अंदर आपको क्या डिटेल देनी होती है, एक तो कॉलम लेआउट पूरा मैं समझाऊंगा बाद में, और ये जो कॉलम आ रहे हैं ना वॉल से ऊपर दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं सभी कॉलम वॉल के अंडर दिखे, सेलेक्ट, वैसे ऊपर दिखेंगे तो बेस्ट है, बट मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूं इन सभी को, डी आर एंटर बी एंटर, तो आप देखेंगे वॉल ऊपर दिखने लगेगी, ठीक है, बट हमें ऊपर ही दिखाना है इसे। और ब्लॉक में मैं चाहता हूं इसका जो कॉर्नर है या फिर हैच है ना वो रेड हो जाए, सो आप ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिए, पहले हम सिलेक्ट करके सिलेक्ट सिमिलर करके इसको ऊपर कर देते हैं, डी आर एंटर एफ एंटर फ्रंट आ जाएगा। अब ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ब्लॉक एडिटर पे जाइए, हैच को सिलेक्ट कर लीजिए यहां से और कलर चेंज कर दीजिए हैच का रेड, ठीक है, ब्लॉक एडिटर, क्लोज ब्लॉक एडिटर, इसमें अगर नहीं भी जाए तो चलेगा, आगे आपको मैं समझाऊंगा। तो ये ब्लॉक अब ज्यादा बेटर दिख रहा है। अब इंफॉर्मेशन क्या देनी होती है आपको, आउटर से और आपके यहां तक का साइज क्या कॉलम का, और मैंने आपको डिम कंटिन्यू एक कमांड होती है, डिम कंटिन्यू करने से आपके हर एक की ऑटोमेटिकली सेंटर टू सेंटर डायमेंशन, जहां क्लिक करेंगे डायमेंशन आ जाती है, और आउटर तक क्या है ये पूरी प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा। देन आपको डीएलआई करना है और ओवरऑल प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैंने सेंटर लाइन ग्रिड्स नहीं लगाई है, सो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। देन यहां से आउटर का आपको दिखाना है, उसके बाद कॉलम टू कॉलम, जब कॉलम लेआउट हम करते हैं तो यहां से भी वो साइज हम दिखा देते हैं, वन इसके सेंटर से सेंटर, आप ये बोल के सेंटर से भी करेंगे तो भी समझ जाएंगे मैसन कॉन्ट्रैक्टर, बाहर से बाहर कर देते हैं और ज्यादा बेटर है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है जब भी आप वर्किंग करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं, कॉलम्स लगा सकते हैं। अब जो 1 फिट का कॉलम मेरा बच गया, ये कॉलम मुझे कहाँ लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी बेस पॉइंट होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी, ये मुझे लगाना है मेरा डोर के पास, कंट्रोल वी, एंड देन मुझे हैच प्रोवाइड करना है, एच एंटर रैंप के लिए, सिलेक्ट किया मैंने, हैचेस लेयर एक्टिवेट थी तो इसलिए ये आ रहा है, यहां से मैं हैच कर देता हूं एंड देन रैंप के लिए एक सिंबल लगा देता हूं। एंगल क्या करना है इसका, पहले स्केल चेंज की थी, जब तक ये सॉलिड ना दिखने लगे, पैटर्न ना दिखने चले, तो यहां से मैं कर देता हूं इसे 30, एंड देन अब एंगल चेंज कर दीजिए इसका 135 पे फ्लैट हो जाएगा, ये मेरा रैंप का हैच हो गया। यहाँ पर आप प्लांटिंग लगाना चाहते हैं तो अगर आपके पास प्लांट वगैरह अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और फाइल से हम प्लांट्स ले सकते हैं, नहीं है अवेलेबल कोई बात नहीं, बट हम बाउंड्री वॉल पे प्लांट्स लगा सकते हैं। कार पार्किंग आपको दिखाना है, सो आप कार पार्किंग दिखा सकते हैं, जिस भी तरीके से आप वर्क करेंगे सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। अब जो हमने वर्क कर लिया ना, इन सब कॉम्पोनेंट को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, हमारी फाइल ये रेडी है जिस भी नाम से हमने की थी, इसी पार्ट को मैंने किया कॉपी, और यही हो जाएगा मेरा नेक्स्ट वर्किंग प्लान। पहले मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ग्राउंड फ्लोर प्लान। सो गाइस, ये था हमारा आर्किटेक्चर के ऊपर कंप्लीट प्लानिंग के ऊपर वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा कि कैसे कंपोनेंट डिजाइन होते हैं, आपके डोर विंडो कैसे आप बना सकते हैं, विंडोज को आपको प्रॉपर कैसे लगाना होता है, 4 इंच वॉल में आप कैसे लगाएंगे, एंड देन 9 इंच वॉल में आप किस तरीके से प्लेस करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट के साइजेस प्रॉपर कैसे करते हैं, डायमेंशन में क्या क्या डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है, देन स्टेयर केस को मैंने स्टैंडर्ड के साथ कैलकुलेट करना और डिटेल में आपको बताया। मेन गेट पे आपके अलग से कॉलम आते हैं तो उनका नेमिंग और साइजेस आप अलग रख सकते हैं। यहाँ पर हम रेन वाटर पाइप्स दिखा सकते हैं, प्रोजेक्शन कैसे होता है वो सब हम यहाँ पे करेंगे। सेम हमने फर्स्ट फ्लोर भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमने ये प्रॉपर देखा, स्टोर रूम पूजा रूम सब कुछ हमने एडजस्ट किया। सो अगर आप चाहते हैं इसी प्लान की स्ट्रक्चर ड्राइंग्स भी, सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।